क्लास एट वेलकम टू दिस चैनल सो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट हमारे अतीत का चैप्टर नंबर ये आपका एट्थ होने वाला है वैसे अगर आप देखो तो हमारे अतीत का ये भाग दो का चैप्टर नंबर टू है लेकिन आप पूरी अगर हिस्ट्री लेते हैं तो आपका चैप्टर नंबर एट है ये एंड चैप्टर का नेम आप देखो सिविलाइजिंग द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन यानी कि देसी जनता को सभ्य बनाना राष्ट्र को शिक्षित करना तो इस वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कम्प्लीट करेंगे सो so, आप अपनी कॉपी और पेन उठाओ और चलो मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने सो so, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास आता है पाठ्य पुस्तक से के अंतर्गत यहाँ पर है फिर से याद करें प्रश्न एक है यहाँ पर विलियम जॉन्स ठीक है अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन सो यहाँ पर फिर से याद करें प्रश्न एक आपको दिया है तो यहाँ पर आपको मैच करना है ये ठीक है तो विलियम जॉन्स आप क्या लिखेंगे प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान ठीक है फिर है रविंद्रनाथ टैगोर यानी कि गुरु फिर है टॉमस मैकोले ठीक है अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन फिर है महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध और यहाँ पर है पाठशालाएं यह है प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा फिर उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से सही या गलत बताएं तो so यहाँ पर आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर आपको देखना है नहीं यहाँ पर आपको ट्रू फॉल्स दिया गया है ठीक है सही गलत आपको बताना है जेम्स मिल यहाँ पर है प्राच्यवादियों के घोर आलोचक थे यहाँ पर है तो आप लिखोगे सही फिर तो उसके बाद ख देखते हैं हम यहाँ पर अट्ठारह के शिक्षा संबंधी डिस्पैच में इस बात पर जोर दिया गया था कि भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए सो आप लिखोगे इसे सही उसके बाद हम देखते हैं अगला यहाँ पर गौ है महात्मा गांधी मानते थे कि साक्षरता बढ़ाना ही शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो आप यहाँ पर देखो ये है गलत उसके बाद हम देखते हैं घो है यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर को लगता था कि बच्चों पर सख्त अनुशासन होना चाहिए तो ये भी आप लिखोगे यहाँ पर गलत उसके बाद आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है आपके पास आइए विचार करें के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न तीन है विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था ठीक है सो आपका आंसर होगा यहाँ पर उत्तर है भारतीय इतिहास दर्शन और कानून का अध्ययन फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों का खोजना ठीक है उनको खोजना व समझना जरूरी था सेकंड है यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के माध्यम से ही समझा जा सकता है उसके बाद थर्ड पॉइंट है यहाँ पर विलियम जोन्स का मानना था कि इस कार्य से न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति के यहाँ पर है सीखने में मदद मिलेगी बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद मिलेगी उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको दिया गया है यहाँ पर जेम्स मिल और टॉमस मैकोले ऐसा क्यों सोचते थे कि भारत में यूरोपीय शिक्षा अनिवार्य है सो आप इसका उत्तर देखो जेम्स मिल और मैकोले की सोच उनकी सोच क्या थी सो तो पर फर्स्ट पॉइंट है भारतीयों के विचारों को अंग्रेजों के अध्ययन से रूढ़ीवादी विचारों वाले लोगों से अलग किया जा सकता है क्योंकि वे अपनी भाषा में अधिक वैज्ञानिक व तकनीकी सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर इनके अनुसार यहाँ पर है पूर्वी साहित्य यहाँ पर अगंभीर और यहाँ पर है सतही तथा त्रुटियों से भरा हुआ व अवैज्ञानिक है उसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट है यहाँ पर इनके अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे उस सो so, यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी बच्चों को हस्तकलाएं क्यों सिखाना चाहते थे सो so, आप यहाँ पर उत्तर लिखोगे बच्चों को हस्तकलाएं सिखाना फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान के स्थान पर केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है उसमें यहाँ पर पाष्ट्य पुस्तकों पर जोर दिया जाता है और जीवन अनुभवों तथा व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती उसी बाद थर्ड देखते हैं यहाँ पर दिमाग और आत्मा विकसित करने के लिए हाथ से काम करना पड़ता है हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ों ठीक है किस तरह काम करती है जो विभिन्न चीज़ें होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स हम देखते हैं यहाँ पर महात्मा गांधी ऐसा क्यों सोचते थे कि अंग्रेज अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को ग़ुलाम बना लिया है सो उत्तर देखते हैं हम यहाँ पर भारतीयों को गुलाम बनाना टॉपिक आपका होगा उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया है यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठता ठीक है श्रेष्ठ मानते लगते हैं और उसके बाद है अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है सेकेंड हम यहाँ पर देखते हैं पश्चिमी शिक्षा के विष भरा हुआ है ठीक है जो पश्चिमी शिक्षा है उसमें विष भरा हुआ है यह पाप पूर्ण है इसमें भारतीयों को दास बना दिया है इससे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करते हैं तथा पश्चिम से आने वाली हर चीज की प्रशंसा करते हैं फोर्थ पॉइंट है विदेशी भाषा बोलने वाले स्थानीय सांस्कृतिक से घृणा करते हैं ठीक है घृणा करने वाले भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर आइए करके देखें के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न सात आपसे पूछा गया है अपने घर के बुजुर्गों से पता करें कि स्कूल में उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी थी सो ये आपको स्वयं करना होगा अपने घर में आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं आपके दादा दादी नाना नानी उनसे आप पूछें उसके बाद आप इसे यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं फिर उसके बाद प्रश्न आठ है यहाँ पर अपने स्कूल या आसपास के किसी अन्य स्कूल के इतिहास का पता लगाएं तो ये भी आपको स्वयं करना होगा आपके आसपास में जो अन्य स्कूल है ठीक है या फिर आप अपने स्कूल का भी पता लगा सकते हैं कि उसका इतिहास किस तरह का था यानी कि क्या हुआ था उसमें पहले सो ये सारे पॉइंट्स थे यहाँ पर आपका ये चैप्टर कम्प्लीट होता है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपके कम्प्लीट होते हैं सो क्लास एट्थ आप हमारे अतीत के सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वीडियोस देख सकते हैं मॉडर्न मास्टर जी के चैनल पर या फिर आप क्लास एट्थ अदर सब्जेक्ट के वीडियोस भी देख सकते हैं आप सिंपली चैप्टर का नेम लिख के बाय मॉडर्न मास्टर जी करके सर्च करें आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी सो so तब तक के लिए पढ़ते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें